हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप राजचंद्र आकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। ठीक, टिल नाउ आपने 3 लेक्चर देखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और होपफुली आपको जो क्रैश कोर्स का वर्कबुक मिला है ना, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाना शुरू किए होंगे। ठीक, मैं अभी सवाल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस भी करवाया है। ठीक है ना, सवाल आपको बनाने हैं। एट द लास्ट चैप्टर के एंड में मैं सवाल्स के बारे में बात करूंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना, कि आप फिर मैच कर लीजिएगा क्या आप सही थे कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है कि आप पढ़ते तो जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं और रिविज़न भी आपने प्लान किया है। अब इस रिविज़न प्लान करने के बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रीवियस ईयर लगाया कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर अगर नहीं लगाए हो तो आप रिविज़न के साथ प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कीजिए, है ना। और साथ के साथ कोशिश कीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे सर? जिसमें फॉर्मूला हो, जिसमें वन लाइनर कॉन्सेप्ट हो। मतलब अगर मैं बोलूँ पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 10 पेज में मैं ख़त्म कर लूँ या 5 पेज में मैं ख़त्म कर लूँ, इस तरीके से पूरा आपका थर्मोडायनेमिक्स और एंड एप्लीकेशन 10 पेज में ख़त्म कर लूँ, इस तरीके से, है ना, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एक ही कॉपी में लास्ट में बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ूँ तो मुझे सारी चीज़ें रिकॉल कर पाऊँ एकदम आराम से, है ना। तो वो फॉर्म में रहना चाहिए। और वो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका कैसे होता है? पहले जो पढ़े हो आप वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ जब मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ तो क्या मुझे कुछ नया मिला? मैं क्या उसका रेफरेंस यूज़ किया? जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि गेट एकेडमी की किताब, है ना, ये वाली जो किताब है हमारी, सो इस किताब में क्या है कि पीछे आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, उसके की पॉइंट्स भी दिए हैं। सो आप अगर ये किताब फॉलो कर रहे हैं तो इस पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे और आप अपने नोट्स में उसको एडप्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये किताब का यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी किताब है, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। सो आपके पास ये होना चाहिए। इवन दो PI वाले स्टूडेंट, है ना, वो भी ये रिफर कर सकते हैं बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सवाल हैं। और ऑलमोस्ट अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ, क्या थ्योरी ऑफ मशीन आता है कि सर? यस, बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं PI में, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं और जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे वो सवाल आपके बन जाएंगे पक्का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ना एक सोच आपकी होनी ज़रूरी है कि भाई हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इस पे इनपुट देना है मुझे, डेली पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, मैं भी जब स्टूडेंट था ना, सो एक दिन 8 घंटे का प्लान किया, मतलब मेरा ये फिक्स है कि मैं 8-8 घंटे रोज पढ़ूंगा, मैंने अपना टाइम निकाला। हो सकता है इससे कम टाइम भी मिले आपको, क्योंकि कई लोगों के घर में बहुत सारा काम होता है, कई चीज़ें होती है, हो सकता है कई लोग जॉब वाले होंगे, सो आप दिन के 4 घंटे ही दीजिए। 4 घंटे में क्या एग्ज़ाम निकाला जा सकता है सर? बिल्कुल निकाला जा सकता है। उस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना रहेगा, वो एफर्ट 4 घंटे, मतलब 4 घंटे बहुत ध्यान से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन मुझे छुट्टी मिला, उस दिन मैं 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 0 आवर्स पढ़ा, ये नहीं। आप जिस दिन 8 घंटे पढ़े वो आपका बोनस है, अगर आपने 4 घंटे का प्लान रखा है अपने पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन के लिए, है ना। सो वो 4 घंटे के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो वो आपका क्या रहेगा? बोनस रहेगा, वो एडवांटेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन सर मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा, उसके बाद 2 दिन पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है भाई, इस तरीके से नहीं करना है। आप रोज़ का मेहनत रोज करेंगे तभी जाके आउटपुट मिलेगा, एंड इट इज़ नेसेसरी। अरे यार करना क्या है, मजे लेके पढ़ाई तो करना है ना भाई, मजे लेके पढ़ना, प्रेशर मत लेना। टेंशन आएगा एग्ज़ाम का, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उसको हम कम इसी वजह से ऐसे कर सकते हैं कि डेली अगर डिसिप्लिन से काम करेंगे ना तो वो प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सभी जितने भी गेट देना चाहते हैं, जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में ये फीलिंग आना ज़रूरी है, ये बात होना ज़रूरी है कि हाँ यार मज़ा, अरे क्वेश्चन बन रहा है मज़ा आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ ना इस बात का ध्यान रखना कि कितना आप कवर कर रहे हो, आपके पास गेट का सिलेबस है, आप क्या कवर कर रहे हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर आपको नहीं भागना है, जितना आप प्रिपेयर किए हो उसको एकदम बेहतरीन टाइप से रखना है उसको, कि वहां से सवाल आए तो चिपका डाले ऐसा। ठीक, तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं।
लास्ट क्लास में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात किया था, आज बात करेंगे हम लोग ग्रबलर क्राइटेरिया। ग्रबलर क्राइटेरिया आपका ग्रबलर क्राइटेरिया इस तरीके से है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सारे पेयर लोअर पेयर हो, सारे पेयर लोअर पेयर हो, इट मींस दैट नो हायर पेयर, हायर पेयर नहीं होगा। साथ के साथ आपका उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म, ठीक। सो आपका ग्रबलर क्राइटेरिया ये है कि एक मैकेनिज्म जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो और हायर पेयर जीरो हो। सो यार ये ग्रबलर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो मैकेनिज्म निकलता होगा उस पर क्या मैं मिनिमम नंबर ऑफ लिंक निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। लास्ट क्लास में आपने मेथड बताया था कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि यार हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J माइनस एच, यही तो फॉर्मूला है ना। इस पे हायर पेयर क्या कह रहा है? जीरो है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कह रहा है? वन है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये वन हो गया, ये हो गया 3L-3 माइनस 2J, एच इक्वल टू जीरो बिकॉज हायर पेयर इज जीरो एज पर द ग्रबलर क्राइटेरिया। सो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3L इक्वल टू 2J प्लस 4 एंड L इक्वल टू सर 2J प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ लिंक्स, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ लिंक्स। इसके बाद क्या करते थे सर? इसके बाद ट्रायल एरर लगाते थे, ट्रायल एरर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, L नंबर ऑफ लिंक और J, सिर्फ और सिर्फ J पुट करना है। अगर J इक्वल टू 1 पुट किया, J इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज योर 6, 6 डिवाइडेड बाई 3। सो आपका नंबर ऑफ लिंक कितना आया? 2। सो नंबर ऑफ लिंक आपका 2 आया। लेकिन क्या दो नंबर ऑफ लिंक से आप क्लोज चैन बना सकते हैं? लास्ट क्लास में ही हमने बात किया था कि नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते, क्लोज चैन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज फॉर द क्लोज चैन इट इज द कंडीशन फर्स्ट लिंक शुड बी कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक एंड इन द टू लिंक पेयर इज, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ लिंक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर जे इक्वल टू 2 रखा, जे इक्वल टू 2 रखा, सो आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर J इक्वल टू 3 रखा, सो 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 3 अगेन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर J इक्वल टू 4 रखा, सो 4 2 8 8 प्लस 4 12 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज योर 4। सो यहां पे आपको 4 लिंक मिल रहा है। सो देखिए 2 तो पॉसिबल नहीं था, 2 लिंक में क्लोज चैन पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। सो क्लोज चैन आपका कब होगा? जब 4 नंबर ऑफ लिंक और 4 लोअर पेयर हैं, तब 4 लोअर पेयर और 4 नंबर ऑफ लिंक जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक टू फुलफिल द ग्रबलर क्राइटेरिया इज, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक टू फुलफिल ग्रबलर क्राइटेरिया इज 4 एंड नंबर ऑफ लोअर पेयर, नंबर ऑफ लोअर पेयर शुड बी 4, इट शुड बी ऑल्सो 4, वही तो आ रहा है, ठीक। जे मतलब नंबर ऑफ लोअर पेयर। सो ये ग्रबलर क्राइटेरिया का जो हमें मिला है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक मिल गया हमको, आपका नंबर ऑफ लोअर पेयर मिल गया और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, हायर पेयर 0 होगा, तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए देखेंगे अगर, सो 3 तरीके के मैकेनिज्म दिखते हैं जो हमको स्टडी करना है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 एक होता है आपका 4 बार मैकेनिज्म, फोर बार मैकेनिज्म एक होगा, फोर बार मैकेनिज्म। सेकेंड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एक होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्रैंक मैकेनिज्म
यार ये तीनों के तीनों में ना ये चीज होना जरूरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ लिंक शुड बी फोर, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक शुड बी फोर, एंड आपका मतलब ये तीनों में आपका लिंक जो होगा वो चार होगा, साथ के साथ जो टर्निंग पेयर होगा वो टर्निंग पेयर नहीं, लोअर पेयर, नॉट टर्निंग पेयर, लोअर पेयर शुड बी फोर। वो टर्निंग पेयर भी हो सकता है, स्लाइडिंग पेयर भी हो सकता है। अगर मैं अभी जस्ट बताऊं तो ये कह सकता हूं कि सब में तो कितने होंगे, चार लिंक तो होंगे, फोर लिंक्स, फोर लिंक्स ये रहेगा। प्लस अगर आपका फोर बार मैकेनिज्म है तो उसमें चार टर्निंग पेयर, चारों के चारों टर्निंग पेयर होंगे, है ना, लोअर पेयर रहेगा और चारों के चारों आपका टर्निंग पेयर होगा। अगर आप सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म देखते हैं तो आपका चार लिंक होगा, फोर लिंक्स, और तीन टर्निंग पेयर होगा और एक स्लाइडिंग पेयर होगा। यार स्लाइडिंग पेयर भी तो आपका लोअर पेयर है ना, स्लाइडिंग पेयर भी तो आपका लोअर पेयर है ना, है कि नहीं। सो स्लाइडिंग पेयर एक है और तीन टर्निंग पेयर है, मतलब चार लोअर पेयर हुए और चार लिंक है, तो ये गबलर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। सिमिलरली डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपका फोर लिंक्स होगा, दो टर्निंग पेयर होगा एंड दो स्लाइडिंग पेयर होने वाले हैं। सो दो स्लाइडिंग पेयर, सो यहां पे भी देखिए टोटल आपका चार लोअर पेयर है और चार लिंक्स रहने वाले हैं। सो इस तरीके से होगा, एक एक करके स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ फोर बार मैकेनिज्म से बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, एक्चुअली फोर बार से बोलूँ या एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं ग्रसाप्स लॉ, है ना, वहां से बहुत बार सवाल आया है, तो उसी के बारे में हम आगे धीरे से बात करेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फोर बार मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है सर। रिक्वायर कंडीशन है यस, फोर लिंक्स एंड फोर टर्निंग पेयर होना जरूरी है, ठीक। सो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। नाउ माय डियर, यहां पे मैं एक फोर बार मैकेनिज्म बना रहा हूं इस तरीके से, ये कोई फोर बार मैकेनिज्म है, ठीक। मैकेनिज्म कब होगा, जब एक फिक्स कर देंगे। सो फोर बार मतलब देखिए चार लिंक है क्या, बिल्कुल सर चार लिंक है, वन टू थ्री फोर, चार लिंक है, चार टर्निंग पेयर है, यस वन टू थ्री फोर, चार टर्निंग पेयर, चार लिंक है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली ये फोर बार मैकेनिज्म होगा। अब देखिए ये फोर बार मैकेनिज्म में जो लिंक फिक्स्ड होगा उसको हम कहेंगे फिक्स लिंक, क्या कहेंगे, फिक्स लिंक, इसका नाम है फिक्स्ड लिंक। फिक्स लिंक, अगर फिक्स लिंक के आजू बाजू में जो लिंक है उसको नाम देना चाहोगे तो दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट टू फिक्स्ड, एडजेसेंट टू फिक्स्ड, ये होगा आपका एडजेसेंट टू फिक्स्ड। और फिक्स के अपोजिट जो होता है, जो फिक्स के अपोजिट जो लिंक होगा उसको कहा जाता है कपलर, कपलर इज नथिंग बट अपोजिट टू फिक्स्ड, तो ये आपका कपलर कहलाएगा, कपलर मतलब अपोजिट टू फिक्स्ड, ठीक। सो ये ध्यान रहना चाहिए बेटा, फिक्स लिंक, एडजेसेंट टू फिक्स्ड एंड कपलर, चार लिंक आपको दिख रहे हैं। अब नाउ माय डियर, अगर आप ये चारों लिंक को अलग अलग टाइम पे फिक्स करते हैं, जैसे कि पहले इस लिंक को फिक्स किया, अगली बार आप इस लिंक को फिक्स कर रहे हैं, अगली बार इस लिंक को फिक्स कर रहे हैं, अगली बार इस लिंक को फिक्स कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म मिलेगा और इसे कहा जाता है इन्वर्जन। क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या हुआ,
इन्वर्जन, बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स, गेटिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक, यही आपका क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है, यही आपका इन्वर्जन कहलाता है। तो किसी भी मैकेनिज्म में जितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे उतने लिंक्स को आप अलग अलग टाइम पे फिक्स कर सकते हो, तो उतने नंबर ऑफ इन्वर्जन होने चाहिए। मतलब अगर 4 बार मैकेनिज्म देख रहे हो तो 4 लिंक है तो 4 आपका इन्वर्जन होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, यस, 4 इन्वर्जन मिलेगा, बस शर्त ये है हम डिस्टिंक्ट इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। ये क्या शब्द का प्रयोग कर दिए सर? मतलब डियर कि ऐसा आपको अगर दिख रहा है कि ये 4 बार मैकेनिज्म में आपने देखा कि किसी 2 लिंक को फिक्स करने पे सेम टाइप का मैकेनिज्म मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? सिमिलर मैकेनिज्म हो गया। आपको बात करना है डिफरेंट, अलग अलग, एक दूसरे से अलग मैकेनिज्म रहे, है ना? सो उस तरीके से हम बात करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा, धीरे से सुनिएगा। सो मैंने बोला इफ इन एनी मैकेनिज्म एन नंबर ऑफ लिंक्स देन नंबर ऑफ इन्वर्जन शुड बी एन और लेस देन वन, लेस देन एन, लेस देन एन। इन एनी मैकेनिज्म, इन एनी मैकेनिज्म इफ नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ लिंक्स, इफ नंबर ऑफ लिंक्स आ एन देन देन नंबर ऑफ लिंक्स आर एन देन नंबर ऑफ इन्वर्जन नंबर ऑफ इन्वर्जन विल बी इक्वल टू और लेस देन एन, नंबर ऑफ इन्वर्जन विल बी इक्वल टू और लेस देन एन। ठीक, मतलब यहां पे सर 4 बार मैकेनिज्म है ये, सो या तो इसका इन्वर्जन 4 होगा, या तो इसका इन्वर्जन 4 होगा, और अगर आप डिस्टिंक्ट इन्वर्जन के बारे में बात करोगे सो इट शुड बी लेस देन दैट वन। ठीक है ना, 4 से लेस होगा। चलिए देखेंगे देखेंगे। देखो इन्वर्जन का ना एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है? एक्चुअली जो लिंक्स है, 4 लिंक्स आप देख सकते हैं इस पे, सो इस पे आपस में रिलेटिव मोशन होगा, एंड दैट रिलेटिव मोशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चैन नॉट द मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ सर? मतलब आप इन्वर्जन में अलग अलग मैकेनिज्म भले मिल जाए आपको, है ना, लेकिन जो रिलेटिव मोशन होगा लिंक्स के बीच में वो चेंज नहीं होने वाला। सो मैं कह रहा हूं रिलेटिव मोशन एक की पॉइंट है भाई। रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स आर प्रॉपर्टी ऑफ काइनेमेटिक चैन, काइनेमेटिक चैन। मतलब आपका अगर मैकेनिज्म आप चेंज कर रहे हो सो आपका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना, मैकेनिज्म में रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, चेंज होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ना मैं आपको फिल कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चमकेगा नहीं कि कैसे हुआ सर। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही वाला हमारे पास एक मैकेनिज्म है, जस्ट है ना, इसका एक एग्जाम्पल इसको फिल कराने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योअर लिंक नंबर वन, इसको फिक्स कर दिया अभी, इसको फिक्स कर दिया, ये आपका लिंक नंबर वन है, ये लिंक नंबर टू है, ये लिंक नंबर थ्री है, ये लिंक नंबर फोर है, 4 लिंक है आपके पास, 4 लिंक है। ठीक, लेट अस अज्यूम यहां पे मैं कह रहा हूं ओमेगा टू, ओमेगा टू
मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक टू इज 50 रेडियन पर सेकेंड, मैंने मान लिया क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, एंड ओमेगा थ्री इज 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज है। लेट अस अज्यूम, अगर मैंने ओमेगा टू लिखा है मतलब वो फिक्स के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, दैट इज एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा आप फिक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ओमेगा टू वन, ओमेगा टू वन, इसका मतलब क्या होगा, हुआ होगा ओमेगा थ्री वन, मतलब सर ओमेगा टू मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक थ्री विथ रिस्पेक्ट टू वन, मतलब इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एंड ओमेगा थ्री माइनस ओमेगा वन, इट शुड बी इक्वल टू 50, इट शुड बी इक्वल टू 40, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, सो क्लॉकवाइज को अगर मैंने पॉजिटिव लिया सो एंटी क्लॉकवाइज, बट ऑब्वियस है निगेटिव कंसिडर करूंगा, जस्ट है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पे मैंने कंसिडर कर लिया क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने निगेटिव कंसिडर कर लिया, जस्ट ठीक। अब अगर मैं ओमेगा टू और थ्री के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी चाहूंगा, ओमेगा टू एंड थ्री, ओमेगा टू एंड थ्री के बीच में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी चाहूंगा, सो ओमेगा टू एंड थ्री विल बी, ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री, ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री, एंड इट विल बी, ओमेगा टू इज व्हाट, दैट इज 50 सर, एंड ओमेगा थ्री कितना है माइनस 40। यार एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो इस साइन की वजह से है, सो आपका टोटल कितना आ गया 90 रेडियन पर सेकेंड सर, 90 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा टू और थ्री के बीच जो आपका वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो 90 रेडियन पर सेकेंड है। आपका टू और वन के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड है, थ्री और वन के बीच रिलेटिव वेलोसिटी आपका माइनस 40 रेडियन पर सेकेंड या 40 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज है, है ना। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट केस जिस पे अभी तक मैंने आपसे बात किया। अब सेकेंड केस इसी को इसी मैकेनिज्म में, फॉर एग्जांपल ये आपका लिंक नंबर वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूं कि यार दूसरा इन्वर्जन मुझे अचीव करना है, उसके लिए ना लिंक नंबर टू को फिक्स किया, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लिंक नंबर टू को फिक्स किया। नाउ माय डियर, मतलब लिंक नंबर वन फ्री हो गया, लिंक नंबर टू क्या हो गया, फिक्स हो गया। सो इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं लिंक नंबर टू फिक्स हुआ, सो ओमेगा टू इज जीरो, सो ओमेगा वन, ओमेगा वन कितना हो जाएगा, नाउ आई कैन से ओमेगा वन शुड बी इक्वल टू माइनस 50 रेडियन पर सेकेंड, माइनस 50 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा वन का स्पीड मिल गया, ओमेगा वन का स्पीड मिल गया, ठीक। सो ये ओमेगा वन, दिस इज नथिंग बट ओमेगा वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यस। नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ओमेगा वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, बिकॉज टू इज फिक्स्ड, लिंक नंबर दो आपका फिक्स हो गया, लिंक नंबर दो फिक्स हो गया। बहुत बढ़िया सर, यहां तक अपने को क्लियर है, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो वन और टू के बीच में आपका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, वन और टू के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी 50 रेडियन पर सेकेंड है, डायरेक्शन में भी चेंज, डायरेक्शन में भी चेंज, यार एक के रिस्पेक्ट में दूसरा देख रहे हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर पहला देखोगे तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन में भी चेंज, बट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सेम है, 50 रेडियन पर सेकेंड है। पहले भी क्या था, 50 रेडियन पर सेकेंड था, टू और वन के बीच में, वन और टू के बीच में भी 50 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। टू और थ्री के बीच में अगर देखना चाहोगे, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में कितना था, 90 रेडियन पर सेकेंड सर, टू और थ्री के बीच में आपका 90 रेडियन पर सेकेंड था, ठीक है, बहुत बढ़िया सर,
यहां से अगर मैं बात करूं, ओमेगा टू शुड बी जीरो, ओमेगा टू शुड बी जीरो है ना। सो ओमेगा टू थ्री आपका कितना है, 90 रेडियन पर सेकेंड, एंड इट विल बी, आई कैन राइट ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री इक्वल टू 90 रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा टू शुड बी जीरो, बिकॉज ओमेगा टू को आपने फिक्स कर दिया, लिंक नंबर टू फिक्स है। सो ओमेगा थ्री इज माइनस 90 रेडियन पर सेकेंड, इज माइनस 90 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? 90 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक तो है, ठीक है। आपका कितना आया ओमेगा, अभी जो मैं वन के रिस्पेक्ट में सोच रहा था इसलिए गलती हो रही है, सोच रहा था नहीं, ओमेगा थ्री आपका किसके रिस्पेक्ट में आया, टू के रिस्पेक्ट में आया, 90 रेडियन पर सेकेंड, क्या दिस इज नथिंग बट ओमेगा थ्री टू हो गया, ओमेगा थ्री टू। सो आपका ओमेगा थ्री का एब्सोल्यूट वेलोसिटी चेंज हुआ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, पहले ओमेगा थ्री का एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना था, 40 रेडियन पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन था, लेकिन अभी ओमेगा थ्री विथ रिस्पेक्ट टू अगर टू करूंगा सो टू फिक्स हुआ, सो सिर्फ ओमेगा थ्री बोलूंगा, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा और वो कितना हो गया, 90 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा थ्री और टू के बीच में क्या पहले भी 90 रेडियन पर सेकेंड था, 90 रेडियन पर सेकेंड है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, बट ओमेगा थ्री का एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर काउंट करना चाहोगे सो वो चेंज हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी सेम है ना। अगर मैं थ्री और वन के बीच में देखूं सो वो 40 रेडियन पर सेकेंड आना चाहिए, थ्री और वन के बीच में, ठीक है भाई, थ्री और वन के बीच में। सो दिस इज नथिंग बट यूअर ओमेगा थ्री निकाले हो आप, दिस इज नथिंग बट यूअर ओमेगा वन था ये, जब लिंक नंबर टू को फिक्स किया। ये सेकेंड केस का स्टडी है भाई, सेकेंड केस का है ना, इस पे लिंक टू फिक्स है, इस पे लिंक टू फिक्स है, फिक्स्ड, इस पे लिंक वन फिक्स था, लिंक वन फिक्स था, ठीक ठीक है भाई। नाउ लिंक टू फिक्स किए, लिंक टू फिक्स किए, सो उस समय ओमेगा वन ये मिला, ओमेगा थ्री ये मिला, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए, दैट शुड बी द 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है सर। सो ओमेगा वन और थ्री अगर देखना चाहूंगा तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा थ्री, ओमेगा वन माइनस ओमेगा थ्री, ओमेगा वन कितना है माइनस 50, माइनस ओमेगा थ्री कितना है माइनस 90, सो माइनस 50 माइनस माइनस 90। सो यहां से अगर देखोगे तो देख लो डियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 90 माइनस 50 आपका कितना आ गया, 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड। सो आप देख लीजिए ओमेगा वन थ्री क्या आपका 40 रेडियन पर सेकेंड है, क्या ओमेगा वन थ्री आपका 40 रेडियन पर सेकेंड है, सो रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, एब्सोल्यूट वेलोसिटी में चेंज होगा बिकॉज आप लिंक को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। सो होपफुली क्लियर, क्लियर ये बात अपने को क्लियर होती है भाई कि हाँ जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइनेमेटिक चेन, इन्वर्जन होने से एब्सोल्यूट वेलोसिटी चेंज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और यही एक बार डायरेक्ट पूछ दिया गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है, हालांकि गेट में अभी तक नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है, अब पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना ये, ठीक। इरेज कर रहा हूँ भैया, छोटी चीज है प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, ठीक है। क्या अपने को ये बात क्लियर हुई कि काइनेमेटिक चैन का प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव वेलोसिटी, इन्वर्जन से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका फोर बार मैकेनिज्म के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, एक लॉ होता है जो बहुत सारी जानकारी देता है कि कोई भी मैकेनिज्म जो है ना वो किस तरीके से फॉलो होगा, क्या क्या चीजें उसमें पॉसिबल है ना, उसके बारे में जानकारी देता है, दैट इज नोन एज ग्रसाप्स लॉ, ग्रसाप्स लॉ। ये कहता है फॉर अ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ एटलीस्ट वन लिंक इन अ मैकेनिज्म, इन अ
फोर बार मैकेनिज्म, फॉर कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एटलीस्ट वन लिंक एटलीस्ट वन लिंक ठीक। फॉर कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एटलीस्ट वन लिंक लॉसेस ग्रेसॉप्स लॉ, या फॉर कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एटलीस्ट वन लिंक इट सेज ग्रेसॉप्स लॉ says that sum of the length of shortest and longest link in mechanism, sum of shortest, sum of length of shortest and longest links should be less than or equal to length sum of length of remaining two links, मतलब यही लॉ पूछा गया है ना, डायरेक्ट गेट एग्जाम में पूछा गया। मतलब इसका मतलब समझिएगा, किसी फोर बार मैकेनिज्म में लेट अस अज्यूम आपका लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक अगर मैंने एस बोला लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक अगर मैंने एल बोला एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू लिंक्स इट इज पी एंड क्यू बोल दिया, पी एंड क्यू। सो एज पर द लॉ क्या होना चाहिए, इट शुड बी सर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का जो सम है ये आपका लेस देन और इक्वल टू रिमेनिंग टू लिंक का जो सम होगा उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए, यही आपका ग्रेसॉप्स लॉ है, यही आपका क्या है, ग्रेसॉप्स लॉ है। ठीक। सो ये पूछा गया है ये ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन और इक्वल टू रिमेनिंग टू लिंक्स के जो सम होंगे उसका उससे कम या उसके बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, ये लॉ यही कहता है। ठीक है ना, यहां से अब मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लिंक इनपुट या आउटपुट में से है ना, इसी तरीके से अभी समझिएगा, इसमें और ज्यादा डिटेल में मत जाना बेटा, जस्ट इनपुट और आउटपुट आप कभी नहीं फंसेंगे। इनपुट और आउटपुट लिंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका इनपुट लिंक कंप्लीट रोटेशन में है, इनपुट लिंक कंप्लीट रोटेशन में मतलब 360 डिग्री रोटेशन में है, इनपुट लिंक अगर कंप्लीट रोटेशन में है सो ये कहलाएगा आपका क्रैंक। ये क्या कहलाएगा आपका क्रैंक, इसको हम कहेंगे क्रैंक। अगर आउटपुट
या नहीं, इनपुट लिंक और इस पे ये भी लिखना बेटा, सॉरी ना, इनपुट एंड आउटपुट लिंक, आउटपुट आउटपुट लिंक, दोनों में से, दोनों में से कोई भी या दोनों अगर आपका कंप्लीट रोटेशन में है सो वो कहलाएगा क्रैंक। दोनों में से कोई भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में आता है तो उसको आप क्रैंक कहोगे, क्रैंक कहोगे, उस लिंक को क्रैंक कहने वाले हो, ठीक, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो। अगर इनपुट और आउटपुट में से कोई भी लिंक या दोनों लिंक जो भी हो, लिंक में से कोई भी लिंक या दोनों लिंक पार्शियल रोटेशन में है, पार्शियल रोटेशन में है, सो पार्शियल रोटेशन मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में, सो उसको कहेंगे रॉकर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? रॉकर। और लीवर भी कहा जाता है, रॉकर और लीवर, ठीक। मतलब क्या हुआ कि इनपुट, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों लिंक आपका कंप्लीट रोटेशन में है, इनपुट और आउटपुट दोनों लिंक कंप्लीट रोटेशन में है तो वो कहलाएगा क्रैंक, क्रैंक, क्योंकि इनपुट भी क्रैंक है आउटपुट भी क्रैंक है, सो क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। अगर इनपुट आपका कंप्लीट रोटेशन में है, आउटपुट किस में है? पार्शियल रोटेशन में है, तो क्रैंक रॉकर। अगर आपका इनपुट पार्शियल रोटेशन में, आउटपुट कंप्लीट रोटेशन में है, तो रॉकर क्रैंक। सो क्रैंक रॉकर बोलो या रॉकर क्रैंक बोलो, दोनों तो सेम हो गया सर, दोनों तो सेम हो गया, ठीक। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आउटपुट मैं मैकेनिज्म डिवाइड कर रहा हूं। सो पहला आपका होगा इफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट आर इन कंप्लीट रोटेशन, आर इन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये कंप्लीट रोटेशन में मिलेगा सो ये कहलाएगा आपका क्रैंक, क्रैंक मतलब इनपुट भी क्रैंक आउटपुट भी क्रैंक, सो क्रैंक क्रैंक दैट इज नोन एज डबल क्रैंक, डबल क्रैंक, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म और डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर आपका इनपुट कंप्लीट रोटेशन में है और आउटपुट पार्शियल रोटेशन में, आउटपुट पार्शियल रोटेशन में है, सो ये क्या कहलाएगा सर? क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर, बट ऑब्वियस है, ठीक। सो क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर। अगर आपका इनपुट पार्शियल रोटेशन पे है, पार्शियल रोटेशन पे है और आउटपुट कंप्लीट रोटेशन पे है, सो ये कहलाएगा अगेन रॉकर क्रैंक। सो क्रैंक रॉकर बोलो या रॉकर क्रैंक बोलो, दोनों सेम चीज है बेटा, दोनों सेम चीज है, ठीक। सो मतलब सर क्या दोनों सिमिलर मैकेनिज्म है? ये हो जाएगा रॉकर क्रैंक, रॉकर क्रैंक। सो दोनों को सेम चीज माना गया है हमारे थ्योरी ऑफ मशीन में। यस, ये क्रैंक रॉकर बोलो या रॉकर क्रैंक बोलो, सेम मैकेनिज्म दे रहा है कि एक आपका पार्शियल रोटेशन में होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में होगा, ठीक। सो दोनों आपका सेम चीज है बेटा, दोनों सेम चीज है, ठीक। तो ये सिमिलर हो गया। एक चौथा पॉसिबल है कि दोनों आपका पार्शियल रोटेशन में रहे, इनपुट पार्शियल रोटेशन, आउटपुट पार्शियल रोटेशन, पार्शियल रोटेशन। सो क्या होगा डियर यहां पे? दोनों सर रॉकर, रॉकर मतलब डबल रॉकर, डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर रॉकर या डबल रॉकर। सो ये देखिए टोटल कितने इन्वर्जन मिल रहे हैं? चार, चार इन्वर्जन मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, बट 2 एंड 3 आर वॉट? सिमिलर इन्वर्जन। सो कोई पूछेगा आपको फोर बार मैकेनिज्म में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वर्जन,
सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वर्जन कितने होंगे? तीन, डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर एंड डबल रॉकर। ऑब्वियसली यार क्रैंक क्रैंक, रॉकर क्रैंक या क्रैंक रॉकर, वो तो सिमिलर है, और एक होगा रॉकर रॉकर, दैट इज योर डबल रॉकर। तो तीन ही मिले डिस्टिंक्ट, वन ये दोनों मिला के टू और ये थ्री, तो ये कॉमन है। ठीक, तो थ्री डिस्टिंक्ट इन्वर्जन मिल रहे हैं किसमें? फोर बार मैकेनिज्म में। और यही पूछ दिया जाता है भाई, लास्ट ईयर पूछ दिया गया था, तो ये ध्यान रखना डिस्टिंक्ट इन्वर्जन कितने मिल रहे हैं? तीन। क्यों डिस्टिंक्ट तीन मिले? क्योंकि टू और थ्री आपको सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, इरेज करता हूं भैया। ठीक है, देखिए अभी हमने ग्रैसहॉपर्स लॉ पढ़ा और एक चीज पढ़ा कि किस तरीके के मैकेनिज्म मिलने वाले हैं। सो तीन डिस्टिंक्ट इन्वर्जन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, सो ग्रैसहॉपर्स लॉ देखिए जिस वे में बोला गया है उसी वे में मैं बताऊंगा और उसी वे में आपको फॉलो करना है। पहली चीज, केस नंबर वन, कोई फोर बार मैकेनिज्म है जिसमें एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू आ रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक का सम आपका जो ये पी प्लस क्यू है, हाँ ना, उससे कम है, तो लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, लॉ सेटिस्फाइड, ग्रैसहॉपर्स लॉ सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड हो गया, लॉ सेटिस्फाइड हो गया। अगर लॉ सेटिस्फाइड हो गया तो ग्रैसहॉपर्स लॉ बोला जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में बताऊंगा और उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहला वो बोला है कि यार आपको मैंने बताया था कि एक लिंक फिक्स होगा, उसके बाद एडजेसेंट टू आपका फिक्स होगा और आपका कपलर, टोटल चार तरीके से लिंक बनते हैं बोला था मैं, इस तरीके से है कुछ ऐसा था। किसी लिंक को अगर मैंने फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल इस लिंक को फिक्स कर रहा हूं, इस लिंक को फिक्स कर रहा हूं, सो ये क्या कहलाएगा? फिक्स लिंक सर, यही तो था ना, ये फिक्स लिंक था, ये क्या था, ये और ये एडजेसेंट टू फिक्स कह रहे थे इसको, एडजेसेंट टू फिक्स, और इसको क्या कह रहे थे? कपलर, अपोजिट टू फिक्स। ठीक, सो ग्रैसहॉपर्स लॉ बोलता है अगर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है तो नंबर वन, शॉर्टेस्ट लिंक को अगर आपने फिक्स किया, एस इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक, अगर उसको आपने फिक्स किया, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड, मतलब यहां पे अगर शॉर्टेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक को आपने फिक्स बनाया, सो लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, और शॉर्टेस्ट लिंक को अगर आप फिक्स कर रहे हो, इट विल गिव यू ऑलवेज डबल क्रैंक, ऑलवेज डबल क्रैंक, ये हमेशा आपका डबल क्रैंक देगा। ठीक, अगर आपका एस फिक्स नहीं है, सो एस को ही देखना है, शॉर्टेस्ट लिंक को ही देखना है, शॉर्टेस्ट लिंक अगर फिक्स नहीं है सो दूसरा कंडीशन पे आप जाएंगे, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया सो दूसरे कंडीशन के लिए नहीं जाना है, भले कुछ भी रहे, पहला कंडीशन सेटिस्फाई सो डायरेक्ट डबल क्रैंक हो जाएगा। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तब दूसरे कंडीशन जो बता रहा है वो, कि शॉर्टेस्ट लिंक अगर एडजेसेंट टू फिक्स है, दोनों में से कोई, चाहे इधर या इधर, एक लिंक फिक्स होगा कोई भी लिंक, है ना, शॉर्टेस्ट लिंक अगर फिक्स नहीं है डियर, देखिए ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पहली चीज मैंने बोला अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स बनाया, मतलब सर एस फिक्स्ड होगा, मतलब आपका एस फिक्स्ड होगा तो वो हमेशा डबल क्रैंक देगा। ठीक, अब दूसरी बार मैं कह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट को फिक्स नहीं किया, शॉर्टेज को फिक्स नहीं किया, शॉर्टेज बन रहा है एडजेसेंट टू फिक्स, एडजेसेंट टू फिक्स, एडजेसेंट टू फिक्स। ठीक, अगर ये एडजेसेंट टू फिक्स बना, मतलब यहां या यहां आपका एस आया, सो उस समय देगा ये क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्या देगा ये? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। सो पहला कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी दूसरे कंडीशन के लिए जाना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड कंडीशन अगर सेकेंड भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो थर्ड फिर देखेंगे, शॉर्टेस्ट लिंक
फोकस कहां रहेगा? शॉर्टेस्ट लिंक पे। शॉर्टेस्ट लिंक अगर अपोजिट टू फिक्स हुआ, मतलब कपलर बन गया, कपलर मतलब अपोजिट टू फिक्स, यहां कहीं आ गया शॉर्टेस्ट लिंक और उसके अपोजिट लिंक को आप फिक्स कर रहे हैं, सो उस समय ये हो जाएगा आपका डबल रॉकर मैकेनिज्म या रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर, ये डबल रॉकर होगा। और इसी सीक्वेंस में आपको लॉ देखना रहेगा, इसी सीक्वेंस में लॉ देखना रहेगा। देखिए केस नंबर टू ये भी पॉसिबल है, केस नंबर टू ये भी पॉसिबल है कि लॉ सेटिस्फाइड हुआ, लॉ सेटिस्फाइड हुआ एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू है, एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू है, बट नॉट हैविंग इक्वल लेंथ, इक्वल पेयर ऑफ लेंथ ऑफ लिंक्स, नॉट हैविंग, इसका मतलब समझिएगा, Not having a pair of equal length link, pair of equal length, pairs of equal length links, मतलब कैसे सर, मतलब कैसे कह रहे हो? अगर इसको टू बोला, इसको सेवन बोला, यहां पे भी टू और यहां पे भी सेवन हो गया, यहां पे टू, शॉर्टेस्ट लिंक टू है और लॉन्गेस्ट लिंक आपका सेवन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, पी और क्यू भी आपका टू और सेवन है, तो क्या हो रहा है, टू टू का पेयर और सेवन सेवन का पेयर बन गया। सो अगर इस तरीके से नहीं है, अगर इस तरीके से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपका ये टू हुआ, ये सेवन हुआ, ये आपका वन हो गया, सॉरी ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, एक एग्जाम्पल समझिएगा इस बात को, शॉर्टेस्ट लिंक अगर मैंने लिया टू, लॉन्गेस्ट लिंक अगर सेवन है और पी अगर मैंने कह दिया थ्री और क्यू अगर मैंने कह दिया फोर, फोर नहीं, कितना हो जाएगा आपका, अगर थ्री है तो ये सिक्स, सेवन नाइन नाइन सिक्स, ठीक है, नाइन नाइन बराबर आ रहा है, लॉ सेटिस्फाइड है क्या, बिल्कुल लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस तरीके का भी तो मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है ना भाई, कि बराबर आपका दोनों का जो सम आ रहा है ना, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट एंड रिमेनिंग दो लिंक है उसका जो सम आ रहा है वो बराबर है, तो लॉ सेटिस्फाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। उस केस में क्या होगा सर, उस केस में भी सेम चीज फॉलो होगा, मतलब पहला केस अगर आपने देखा शॉर्टेस्ट लिंक, मतलब दो जिसका लेंथ दो है उसको फिक्स किए, एस अगर आपने फिक्स किया तो क्या देना चाहिए सर, डबल क्रैंक, क्या देगा ये, डबल क्रैंक। अगर आपने दूसरा इन्वर्जन बनाया जिसमें शॉर्टेस्ट क्या हुआ, एडजेसेंट टू फिक्स हुआ, एडजेसेंट टू फिक्स बना, चाहे किसी को भी फिक्स करो, छह को फिक्स करूं, सात को फिक्स करूं, तीन को फिक्स करूं, लेकिन एस क्या है, कोई ना कोई इस साइड या इस साइड है फिक्स के, सो एडजेसेंट टू फिक्स है, अगर एडजेसेंट टू फिक्स है, सो ये देगा आपका क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर, यही तो दे रहा था, देखिए पहले केस नंबर वन में क्रैंक रॉकर। सिमिलरली अगर एस कपलर बन जाएगा तो, एस कपलर बन जाएगा तो, सो सर डबल रॉकर, डबल रॉकर देना चाहिए, डबल रॉकर देना चाहिए, सिंपल, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए अगर मैंने केस नंबर थ्री बोला कि भाई आपका बराबर है बट हैविंग इक्वल पेयर ऑफ लिंक्स, केस नंबर थ्री, एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू, लॉस सेटिस्फाइड, लॉस सेटिस्फाइड, ओके, लॉस सेटिस्फाइड हैविंग लेंथ ऑफ इक्वल पेयर लिंक्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपका एस इक्वल टू टू, एल इक्वल टू सेवन, सो पी इक्वल टू ऑल्सो टू एंड क्यू इक्वल टू सेवन, इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, सो इस पे ना दो तरीके की चीजें देखने को मिलेगा,
एक होता है पैरेललोग्राम। यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन होता है सो दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक कहलाता है पैरेललोग्राम और एक कहलाएगा डेल्टॉइड। एक क्या कहलाएगा? डेल्टॉइड, पैरेललोग्राम एंड डेल्टॉइड। अगर माय डियर आपका इस तरीके से पैरेलल हुआ कि भाई शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, ठीक इस तरीके से हुआ कि शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया एस, ये हो गया एस। अब देखो किसी भी लिंक को फिक्स करो, फॉर एग्जाम्पल आप गए लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करने। सो लॉन्गेस्ट लिंक को अगर फिक्स कर रहे हो सो एस क्या बना है? एडजेसेंट टू फिक्स्ड। इनपुट में भी एडजेसेंट टू फिक्स्ड है, एस आउटपुट में भी एडजेसेंट टू फिक्स था। अभी इससे पहले जो एस था वो तो एक ही हो पाता ना, इसमें से एक को एल माना, एक को पी माना, एक को क्यू माना, एक को एस माना, यही था। लेकिन यहां पे तो दो दो एस है, दो दो एस है। सो अगर आप एल को फिक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, एल को फिक्स किया सर, एल को फिक्स किया तो एस क्या बना? एडजेसेंट टू फिक्स बना। एस एडजेसेंट टू फिक्स, इधर भी है इधर भी है, इनपुट और आउटपुट में दोनों में एस एडजेसेंट टू फिक्स आ रहा है। मतलब यहां पे ये भी कंप्लीट रोटेशन में होगा, ये भी कंप्लीट रोटेशन में होगा। सो इट विल गिव यू डबल रॉकर, डबल क्रैंक, इट विल गिव यू डबल क्रैंक, डबल क्रैंक देगा भाई। ये भी कंप्लीट रोटेशन में, ये भी कंप्लीट रोटेशन में। दूसरा, पहली चीज, और अगर एस को फिक्स किए, एस को फिक्स किए है ना, कंडीशन वाइज चलना है भाई। जैसे कि अगर मैंने आपको, खैर पहले बता दिया कि एल को फिक्स कर रहे हो, लेकिन कंडीशन वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कंडीशन क्या था? एस को अगर फिक्स कर रहे हैं, एस फिक्स को कर रहे हैं, ठीक है, एस को अगर फिक्स कर दूंगा, लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, तो क्या देना चाहिए? डबल क्रैंक सर, डबल क्रैंक। अगर एस एडजेसेंट टू फिक्स हुआ, एस एडजेसेंट टू फिक्स हुआ, मतलब आपने एल को फिक्स किया होगा इसको या ऊपर वाले को, सो दोनों तरफ एस, इनपुट और आउटपुट में एस एडजेसेंट टू फिक्स हो रहा है, तब भी आपका क्या देगा? डबल क्रैंक। क्योंकि एस दोनों में, इनपुट और आउटपुट में दोनों में क्या है? एडजेसेंट टू फिक्स है। इस बात को समझना, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों में वो कंप्लीट रोटेशन में आएगा अगर लॉ सेटिस्फाइड है तो, ठीक है, एडजेसेंट टू फिक्स हुआ सो दोनों में वो कंप्लीट रोटेशन में आने वाला है तो वो डबल क्रैंक देगा, डबल क्रैंक देगा। किसी के मन में ये बात आएगा, सर अगर एस को फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल इसको फिक्स किया सर, सो एस कपलर भी तो बन गया ना, एस कपलर भी बन गया, अगर कपलर बन रहा है तो डबल रॉकर देना चाहिए। मैंने क्या बोला था? इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। अगर पहला सेटिस्फाइड हो गया तो बाकी नल एंड वाइड, अगर दूसरा सेटिस्फाइड हो गया तो बाकी नल एंड वाइड। सो अगर आपने एस को फिक्स किया, एस को फिक्स किया तो डबल क्रैंक, बाकी नल एंड वाइड। अगर आपने एल को फिक्स किया सो आपका एस एडजेसेंट टू फिक्स बना तो वो एक्चुअली क्रैंक रॉकर देना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक केस ये आ रहा है बेटा कि अगर आपने एल को फिक्स किया तो ये भी इनपुट भी शॉर्टेस्ट है, आउटपुट भी शॉर्टेस्ट है, दोनों तरफ एडजेसेंट टू एस आ गया, एडजेसेंट टू फिक्स आ गया, दोनों तरफ जो एस है एडजेसेंट टू फिक्स आ गया, तो ये भी कंप्लीट रोटेशन, ये भी कंप्लीट रोटेशन, मतलब डबल क्रैंक सर। मतलब एक चीज दिख रहा है कि इन द पैरेललोग्राम कोई भी लिंक को फिक्स कर लो, कोई भी लिंक को फिक्स कर लो, क्या मिल रहा है? डबल क्रैक। चाहे एस को फिक्स करो या एल को फिक्स करो, ये हमेशा देगा ऑलवेज डबल क्रैंक, ऑलवेज डबल क्रैंक, ऑलवेज डबल क्रैंक। इसका इस्तेमाल किया जाता है, डबल क्रैंक का इस्तेमाल किया जाता है कहां पे? आपका जो लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं उस पर कपलिंग रॉड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है पैरेललोग्राम का। तो आप लिख सकते हैं भाई पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज यूज फॉर द कपलिंग रॉड इन द लोकोमोटिव, है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टॉइड में देखिए, डेल्टॉइड में क्या होगा कि ये इस तरीके से कुछ दिखेगा कि एस और एस दोनों एक साथ है, और एल दोनों एक साथ है, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया एस, ये हो गया एस। नाउ माय डियर, नाउ माय डियर, अगर आप किसी भी एस को फिक्स करो, इसको फिक्स करो या इसको फिक्स करो, क्या देना चाहिए? डबल क्रैंक सर। अगर एस फिक्स हो रहा है ना, डेल्टॉइड के केस में, डेल्टॉइड के केस में एस फिक्स्ड तो डबल क्रैंक देगा, डबल क्रैंक,
कौन से केस में? डेल्टॉइड के केस में, डेल्टॉइड के केस में, ठीक, एस फिक्स टू डबल क्रैंक। अगर एल फिक्स कर रहे हो, ध्यान से देखो, एल फिक्स कर रहे हो तो एस क्या बनेगा, चाहे इस एल को फिक्स करो या इस एल को फिक्स करो, इस एल को फिक्स करूंगा तो ये वाला एस एडजेसेंट टू फिक्स होगा, और इसको फिक्स करूंगा तो ये वाला एस एडजेसेंट टू फिक्स होने वाला है, एडजेसेंट टू फिक्स। सो एडजेसेंट टू फिक्स मतलब सेकेंड कंडीशन। फिर से आप ना बोलेंगे कि कपलर नहीं, सो कपलर नहीं ना बेटा, ये लॉ सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये हट जाएगा, कपलर के बारे में आप नहीं बात करोगे, आप तो एडजेसेंट टू फिक्स के बारे में बस बात करोगे। सो अगर एल को फिक्स किया सो ये एडजेसेंट टू फिक्स बन जाएगा, इस एल को फिक्स करोगे तो ये एडजेसेंट टू फिक्स बन जाएगा। कपलर जरूर बन रहा है लेकिन कपलर नल एंड वाइड हो जाएगा क्योंकि दूसरा ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये देखो एस एल को फिक्स किया सो एस इनपुट हो गया, इनपुट या आउटपुट दोनों में से एक हो गया, सो ये कंप्लीट रोटेशन में रहेगा, ये पार्शियल रोटेशन में रहेगा। अगर आप एल को फिक्स करते हैं सो आपको दिख रहा है क्या मिलेगा, क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर। पैरेललोग्राम में क्यों डबल क्रैंक मिला था, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो जा रहे थे, एस हो जा रहे थे, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एस होगा अगर आप एल को फिक्स करते हैं, ठीक। सो एस एडजेसेंट टू फिक्स्ड बना अगर तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा एडजेसेंट टू फिक्स में, सो ये देगा आपका क्रैंक रॉकर, क्या देगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म इस तरीके से आपका देने वाला है। क्लियर है, क्लियर है ये बात, ठीक। अब देखिए एक कंडीशन और हो सकता है, केस नंबर फोर जो पॉसिबल है, केस नंबर फोर जो पॉसिबल है, एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। अगर ऐसा है तो लॉ नॉट सेटिस्फाइड, लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एक भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं होने वाला, लॉ नॉट सेटिस्फाइड। Law not satisfied, so I can say what it always give you. Law satisfied नहीं होगा तो एक भी link complete rotation में नहीं होने वाला है, so always ये आपका double rocker होगा, और rocker rocker होने वाला है, double rocker mechanism। So इस तरीके से याद रखना है बेटा, ये बहुत important है और इसको समझना बहुत important है, आपके दिमाग में जाना चाहिए कि एस फिक्स्ड हुआ, तीन कंडीशन बताया हूं, सो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड सो बाकी नल एंड वाइड, दूसरा सेटिस्फाइड सो ये नीचे वाला नल एंड वाइड, अगर दूसरा नहीं हो रहा है तो थर्ड एक ही तो बचा उसके बाद, ठीक। अगर लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है सो इस तरीके से देखना है, लॉ सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हो हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म देगा। सो दिस इज अबाउट यूर ग्रेसॉप्स लॉ, ठीक। अच्छा आपको अगर मैं बोलूं डबल रॉकर का कोई एग्जाम्पल, यस एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म, उसमें चार के चार टर्निंग पेयर होंगे, मतलब पूरे टर्निंग पेयर होंगे, और आपका जो लिंक है ना, चार लिंक चार टर्निंग पेयर, उसका बेसिक स्क्लेटन है किसका, एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल रॉकर, यहां पर लिख सकते हो बेटा, डबल रॉकर मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल है एकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक। सो नोट इट डाउन डियर, होपफुली ये लेक्चर आपको मजा आया, बस अरते ना एक चीज करो यार, एक तो मेहनत तो आप कर रहे हो साथ के साथ ना, आई नीड सपोर्ट, क्या कि सर शेयर करो ना यार, इसको शेयर करो ना, शेयर करो, लाइक करो, देखते बहुत लोग हैं लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करो यार, ऐसा तो नहीं है कि आप फील नहीं कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो इतना तो कर सकते हो ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना, मैं कैसे मोटिव, मैं तो आप लोगों को मोटिवेट कर दूंगा, मैं करता ही हूं, मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा भाई जब तक आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलेगा। सो प्लीज है ना, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे काम कीजिए कि हाँ शेयर सर ने बोला है तो शेयर करे यार, पूरा फैला दो साला, आग लगा दो, ठीक। और पढ़ाई मस्ट है, एकदम अच्छे से करो जरूर है ना, इसका रिजल्ट मिलेगा, जो हार्ड वर्क अभी आप कर रहे हैं, आप दिन में रात में लगे हुए हैं, तो इसका रिजल्ट मिलेगा, बिलीव मी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने उतना हार्ड वर्क किया है और उसका रिजल्ट मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, ठीक है डियर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।